दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग देखने जा रहे हैं बेस्ट इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग को, जिसके अंदर में हम लोग ये देखने वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है उसे और स्टोकेस्टिक को यूज करके हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेड जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की हमें कुछ जरूरत नहीं है, सीसीआई वगैरह यूज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपली एक काम करेंगे, पहले इनको इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद में देख लेंगे कि एक्चुअल में हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल कैंडल्स मैंने यूज करी है, लेकिन टाइम फ्रेम जो है दोस्तों यहाँ पे मैंने 30 मिनट का यूज करा है। अगर हम लोग 15 मिनट और 5 मिनट का करेंगे फिर भी एक काम करेगा, लेकिन उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता जितना बिगर टाइम फ्रेम के अंदर में काम करता है। ओके, तो इसलिए सिंपली इंडिकेटर्स के अंदर आएंगे हम लोग और यहाँ पे डालेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल एक ही होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपली उसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया और वो इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे सिंपली डालेंगे अभी स्टोकेस्टिक, यहाँ पे जो सिंपल स्टोकेस्टिक आ रहे हैं हम लोग वही यूज करने वाले। ओके, यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है, उसकी सेटिंग के अंदर जाने के बाद में इसका फिर से थोड़ा सा ब्रॉड कर लेंगे। एक्चुअल में कलर की कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको आवश्यक लग रहा है तो आप भी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लेंथ जो है हम लोग लेंथ को कर देंगे 5। देखिए सिर्फ यही एक ही सेटिंग करनी है बस हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर में, और कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है। यहाँ पे स्टोकेस्टिक के अंदर में आने के बाद में सेटिंग के अंदर जाएंगे हम लोग और उसकी जो स्मूथिंग है स्मूथिंग को कर देंगे 3, तो थोड़ा सा स्मूथ अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे फिर से यहाँ पे आएगा स्टाइल के अंदर में, और यहाँ पे स्टाइल के अंदर आने के बाद में जो डिफॉल्ट है 80 और 20 का, इसको डिफॉल्ट ही रहने देने वाले हम लोग, इसको कुछ चेंज नहीं करने वाले। ओके, सिंपली ओके को हिट कर देंगे और यहाँ पे देखिए अपने इंडिकेटर जो है वो ट्रेड लेने के लिए रेडी हो गए। ओके, यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ रूल्स हमने बनाए, कुछ रूल्स वो हमें फॉलो करके चलने पड़ेंगे। दोस्तों एक प्राइमरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर या फिर कहीं पर भी जो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज वगैरह सिखाते हैं, आपको बताते हैं, आपके सामने लाते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि जिसने आपको स्ट्रेटेजी बनाए उसने वो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। ओके, तो इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने वो स्ट्रेटेजी बनाई है तो उसका सक्सेस रेट जो रहता है वो सक्सेस रेट बहुत ही बेहतर होगा या फिर बहुत ही कमजोर होगा, वो उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। अगर आपको मार्केट के अंदर में काम करना है तो उन लोग को आप सिर्फ जो आपको सिखा रहे हैं उनको सिर्फ एजुकेटर मानो, बाकी कुछ नहीं। वो जो बता रहे हैं वो एक बार में अपने खुद के चार्ट के ऊपर में इंप्लीमेंट करके देखो, और अगर आपको अच्छे से रिजल्ट मिले तभी उसके अंदर में काम करना, नहीं तो छोड़ दो भाई, और भी बहुत स्ट्रेटेजी जो है वो मार्केट के अंदर में मिल रही है। ओके, यहाँ पे दोस्तों सिंपली देखिए आप हमारे जो रूल्स है, रूल्स के अंदर में जब हमें ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे आ रही है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, इसके ऊपर में जाने वाली एंट्री लेनी है, मतलब ऊपर के साइड में एंट्री लेनी है। यहाँ पे जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, यहाँ पे आप देखिए कि जब भी यहाँ पे ऐसा क्रॉस ओवर जो बन रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर बन गया और उसके बाद से प्राइस जो है प्राइस ऊपर के साइड में चला गया, हालांकि यहाँ पे नीचे भी आ गया था, लेकिन यहाँ पर अपनी जो एंट्री है वो एंट्री बनी नहीं रही, क्योंकि इसका जो चैनल है ये 80 और 20 के बीच में, हम लोग इसी के अंदर में अपनी जो एंट्री है वो एंट्री करने वाले और एग्जिट के लिए हम लोग सिर्फ क्रॉस ओवर देखने वाले, चाहे वो कहीं पर भी हो जाए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के बाद में जब यहाँ पे जो प्राइस आती है, यहाँ पे प्राइस आने के बाद में जब ऊपर की प्राइस मिल गई तब हमें इसके अंदर में एंटर कर देना है। ओके, 20 के ऊपर में प्राइस जब आती है तभी हमें इसके अंदर में एंटर करना है, नहीं तो हम इसके अंदर में एंटर नहीं करेंगे। और एक बात, अगर यहाँ पे ऐसा क्रॉस ओवर होने के बाद में ये जो कैंडल्स यहाँ पे अभी नीचे है, ये ब्लू लाइन के नीचे है एक्सपोनेंशियल के, लेकिन अगर ये वाली कैंडल ये वाली रहती तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करते, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अगर प्राइस उसके नीचे रहेगा तभी हम लोग ऊपर के साइड वाला ट्रेड लेंगे, और अगर प्राइस जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर में रहेगा ऐसे तो हम लोग नीचे के साइड वाला ट्रेड ले लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री बन गई थी ऊपर की साइड वाली, तो हमने फॉर एग्जांपल एंटर कर दिया था यहाँ पे मैं काम करता हूँ चार्ट को ही काम कर रहा हूँ, चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि सब लोग देख सके। यहाँ पे मैं एक बार में आपको मेजर करके दिखाता हूँ जो लॉन्ग की पोजीशन है, यहाँ पे टी के दो के नीचे जो पहले बार देख रहे हैं उनको भी मत दे रहा हूँ, टी के दो के नीचे यहाँ पे आने के बाद में आपको लॉन्ग और शॉर्ट का टूल है वो मिल जाएगा, यहाँ से आप जो है वो प्राइस रेंज भी नाप सकते हैं एक कैंडल का या फिर सेवरल कैंडल्स का, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमें लॉन्ग पोजीशन की आवश्यकता है तो इसलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले लिया। तो ये वाली कैंडल पे जो है वो हम लोग एंटर करके देखेंगे कि एक्चुअल में काम भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है कैंडल ओपन होते ही, और यहाँ पे देखिए जो रिसेंट लो रहता है वो रहेगा अपना स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे आएगा अपना स्टॉप लॉस। ओके, और टारगेट की अगर बात की जाए तो टारगेट आता है अपना क्रॉस ओवर के समय पे, और यहाँ पे हो गया था क्रॉस ओवर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपना क्रॉस ओवर होने तक 30 रुपीज का जो है वो हमें इसके अंदर में प्रॉफिट हो गया है। दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा बन गया है, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस कभी बनता नहीं है, हम लोग बाकी भी एग्जांपल देखेंगे, बाकी एग्जांपल को सामने रखकर भी हम लोग इसके अंदर सीख देंगे। ओके,
यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे फिर से एक बार में चैनल के अंदर आने के बाद में यहाँ पर हो गई है अपनी एंट्री। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। अभी शॉर्ट क्यों लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड वाले हमें प्रॉफिट देखना है, इसलिए हम लोग लेंगे शॉर्ट की पोजीशन। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बढ़ रही है अपनी एंट्री, यहाँ पर आ रहा है अपना स्टॉप लॉस, और जो क्रॉस ओवर आ रहा था क्रॉस ओवर आ गया है इस वाले कैंडल पे यहाँ पे। ओके, और यहाँ तक अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ तक अपना प्रॉफिट बन गया है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 194-195 जो प्रॉफिट है उतना अपना प्रॉफिट इसके अंदर में बन गया था। ओके, और थोड़ा सा पीछे आने के बाद में देखेंगे दोस्तों। एक्चुअली मैं एक काम करते बैंक निफ्टी को भी लगे आप देख लेते, क्योंकि बहुत सारे जो अपने सब्सक्राइबर है वो यहाँ पे ऐसा कहते थे कि यार सर एडी निफ्टी के अंदर में चलेगा या फिर बैंक निफ्टी के अंदर में भी चलेगा, तो इस वजह से दोनों भी साइड से इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से एक बार भी जो है वो नीचे की साइड में आ गई कैंडल, यहाँ पे आ गई ऊपर की साइड में, लेकिन यहाँ पर अपनी एंट्री बनी ही नहीं थी। ओके, एक काम करते हैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा कम करके देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स और ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल सकेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तुरंत अभी यहाँ पे जो बाइंग का है, बाइंग का जो कैंडल आ गया है, अभी देखेंगे कल के दिन में कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा पीछे आने के बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया है, लेकिन क्रॉस ओवर होने के बाद में हमारी एंट्री बन गई थी यहाँ पे। यहाँ पे काम करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन ले लेंगे। यहाँ पर देखिए अपनी एंट्री और रिसेंट हाई है, रिसेंट हाई का यहाँ पे अब आ गया अपना स्टॉप लॉस, और जो क्रॉस ओवर था क्रॉस ओवर मिल गया था यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्रॉस ओवर मिल गया है तो थोड़ा सा ऊपर में आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है अपना क्रॉस ओवर, तो इसका मतलब है कि 55 रुपीज़ का जो है, मतलब 56 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, 57 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो गया और 55 का टारगेट, मतलब ऑलमोस्ट 1:1 का इसके अंदर में टारगेट और स्टॉप लॉस अपना बन गया था और टारगेट अचीव हो गया। ओके, थोड़ा सा और पीछे आने के बाद में यहाँ पर फिर से एक बार में देखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंट्री बन रही थी अपनी, लेकिन ये जो है वो दिन खत्म हो रहा था तो हम लोग इसको अगले दिन के लिए कैरी नहीं करेंगे। तो सेम डे को अगर एंटर करके एग्जिट कर दिया होता तो यहाँ पर भी हमें देख लीजिए आप प्रॉफिट बहुत तगड़ा हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए 214 रुपये का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ओके, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा हम लोग अभी इक्विटी के अंदर में भी देख लेते हैं, ताकि एक वीडियो के अंदर में दोनों इंडेक्स और इक्विटी भी कवर हो जाए। यहाँ पे देखिए ICICI बैंक जो है, ICICI बैंक को अगर हम लोग कंसिडर करके चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्रॉस ओवर होने के बाद में यहाँ पर एंट्री हमारी बनी नहीं थी, क्योंकि चैनल के अंदर में जो स्टॉकेज था वो तो आ गया था, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो प्राइस है, प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर में चली गई थी। तो प्राइस अगर ऊपर में रहेगी तो हमें उसके अंदर में सेलिंग की जो पोजीशन है वही बनानी है, बाइंग की पोजीशन बनानी है, लेकिन यहाँ पे उसने बाइंग की पोजीशन बना दी थी तो इसलिए हमारी एंट्री यहाँ पर हुई नहीं है। हम लोग ऐसा कंसिडर करके चलेंगे। और थोड़ा सा पीछे आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया और प्राइस यहाँ पे जो है वो अंतर आ गई थी, तो यहाँ पे अपनी एंट्री बन गई थी। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एंट्री और एग्जिट दोनों भी मार्क करता हूँ। यहाँ पर एंट्री बन रही थी अपनी, तो यहाँ पर एंट्री बन रही है और ये रिसेंट हाई मतलब 2.40 रुपये का जो है वो हमारा SL बन गया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो क्रॉस ओवर हो गया है इस वाले कैंडल पे, तो अगर हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 रुपये का जो है उसके अंदर में हमें प्रॉफिट देखने को मिल गया है। ओके, एक्चुअली ICICI की मूवमेंट है वो ऐसी स्लो होती है क्योंकि बहुत हैवी वेट स्टॉक है, लेकिन अगर फास्ट मूविंग स्टॉक के बारे में हम लोग देखेंगे, बजाज वगैरह के बारे में, यहाँ पे देखिए एक बार में बजाज फिंसर का चार्ट आ गया है। बजाज फिंसर के अंदर में भी मूवमेंट बहुत अच्छी होती है दोस्तों। यहाँ पे और थोड़ा सा कौन सा वॉलेटाइल स्टॉक देंगे, बजाज का ही लेके देखेंगे। देखिए बजाज फाइनेंस को हम लोगों ने यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया है, बजाज फाइनेंस को देखेंगे। ये देखिए बजाज फाइनेंस के अंदर में जो इसके नीचे था, नीचे क्रॉस होने के बाद में जो चैनल के अंदर आ गया था उसके बाद में बहुत अच्छी उसने यहाँ पे मूवमेंट दे दी है। हम लोग एक बार में जो है वो मार्क करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपनी एंट्री बन रही थी, यहाँ पर एंट्री बनने के बाद में SL था, वो SL था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी भी ऊपर ही चला जा रहा है, अभी तक हमने निकाला नहीं है। यहाँ पे देखिए 30 रुपीज़ का जो टारगेट है वो हमें अब तक में अचीव हो गया है। अभी देखेंगे कि एक्चुअल में वो काम भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर हमें फिर से एक बार में एंट्री जो है वो बन गई थी, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल गया था, एंट्री यहाँ पर बन गई थी और जो स्टॉप लॉस आ गया था वो यहाँ पे 13.5 रुपये का, लेकिन अगला क्रॉस ओवर मिला था हमें यहाँ पे इस वाले कैंडल पे। तो अगर यहाँ पर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 94 रुपीज़ का जो है वो भी इसके अंदर में टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे से काम करती है। अगर आप इसको इक्विटी के अंदर में भी काम करने लगाओगे या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिर निफ्टी के अंदर में भी अगर आप यूज़ करके देखोगे, फिर भी आपको इसके अंदर में जो अच्छा से अच्छा प्रॉफिट है वो जरूर मिल जाएगा। दोस्तों हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें फिन निफ्टी के बारे में पूछा था, तो अगली वाली वीडियो के अंदर में हम लोग फिन निफ्टी के बारे में सीखेंगे कि एक्चुअली फिन निफ्टी होता क्या है, और बिटकॉइन के बारे में भी कुछ जो सवाल थे वो आ गए थे लेकिन वो इरिलेवेंट है अपने टॉपिक को छोड़ के, इसलिए हमने सिर्फ बेस्ट इंटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही बनी है इसके अंदर में, और जो क्रिप्टो की स्ट्रेटजी है उसके लिए कुछ अलग से चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे फिन निफ्टी के बारे में, या फिर राइट साइड वाली वीडियो में जिसके अंदर में हमने ट्रिपल सुपर ट्रेंड के बारे में बहुत अच्छे से बता के रखा है। तो दोस्तों मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। जय हिंद।